आईपीएल 2020 का 47वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया और दिल्ली कैपिटल्स को करारी हार का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके बाद 220 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने तेजी से रन बनाने के चक्कर में जल्दी विकेट गंवा दिए और मैच 88 रनों से हार गई। हैदराबाद की तरफ से कप्तान डेविड वार्नर और रिधिमान शाह की साझेदारी ने जमकर रन बटोरे। वहीं अगर पहली पारी की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद सनराइजर्स बल्लेबाजी करने उतरी और सिर्फ 2 विकेट गंवाकर एक बड़ा स्कोर बना लिया। कप्तान डेविड वार्नर ने 34 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली, वहीं रिधिमान शाह ने 45 गेंदों में 87 रन बनाए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे मनीष पांडे ने 31 गेंदों में 44 रन बनाए और विलियमसन ने 11 रनों का योगदान दिया। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो टीम एक बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी थी, ऐसे में एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी जो टीम को नहीं मिल पाई। और अच्छी फॉर्म में चल रहे शिखर धवन इस मैच में पहले ही गेंद पर चलते बने, संदीप शर्मा ने उन्हें आउट किया। उनके साथ ओपन करने आए अजिंक्य रहाणे ने 19 गेंदों में 26 रन बनाए। वहीं दिल्ली की तरफ से ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। उनके अलावा स्टोइनिस ने 5, हेटमेयर ने 16, वहीं कप्तान अय्यर ने 7, अक्षर पटेल ने 1 और कगिसो रबाडा ने 3 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज राशिद खान ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं राशिद खान ने 4 ओवर में सिर्फ 7 ही रन दिए और 3 विकेट लिए। जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट झटके। टी नटराजन ने भी 26 रन देकर 2 विकेट लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।